बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने सेल थ्योरी और टाइप्स ऑफ सेल पढ़े, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन किया गया था, और इसके अलावा सेल थ्योरी में जो जो साइंटिस्ट आए थे। आज का लेक्चर हम कुछ सवाल से शुरू करेंगे। मसलन सबसे पहले तो वो जनरल से सवाल कि व्हाट इज़ सेल। सो सेल क्या होता है भला? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल। सो सेल क्या था जी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, इस बाज दफ़ा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक, जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक। देन द सेकेंड वन क्वेश्चन इज वट इज साइटोलॉजी। पता है जी क्या होती है साइटोलॉजी? नहीं? ओके, साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल्स, यानी बोथ इसका स्ट्रक्चर, यानी उसकी सेल के एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी उसका फंक्शन क्या क्या है। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों इसमें डिस्कस किए जाते हैं। सही। तो साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ द सेल्स। इसके अलावा कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम सेल्स को स्टडी कर सकते हैं? लाइक व्हाट आर द टेक्निक्स वी कैन स्टडी सेल्स? सो इसमें सबसे पहले ज़ाहिर बात है माइक्रोस्कोपी है। सो वी डू माइक्रोस्कोपी के हम सेल्स की क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। सही, स्लाइड्स, और स्लाइड को फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। जिसके अंदर स्टेज होता है, पता होगा आपको सारा कुछ। सो वी मेक इट माइक्रोस्कोप, यानी उसकी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। सही। माइक्रोस्कोपी में फिर मजीद टाइप्स आ जाते हैं। लाइक हम इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोपी यानी लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं। सही। या फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि ज़्यादा रेजोल्यूशन, ज़्यादा मैग्निफिकेशन पे काम करती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सही। इसके अलावा एक टेक्निक यूज होती है स्टेनिंग, के सेल्स जो से है ना यूजली कलरलेस हमें फील होते हैं जब हम देखते हैं स्लाइड पे, तो उसके लिए फिर हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, यानी इसी स्लाइड के ऊपर कोई ना कोई स्टेन डालते हैं। लाइक हम इसमें ब्लू स्टेन डालते हैं, सो वी यूज़ स्टेन। ठीक है। इन चीज़ों का वैसे आपके बुक में जिक्र नहीं है इतना, लेकिन फिर भी ये रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप सेल स्टडी नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपी के अलावा हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, यानी अगर हमें सेलुलर पार्ट स्टडी करने हैं तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम सेल्स को। ठीक। और अगर ज़्यादा हमें मोर डिटेल चाहिए तो हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, यानी हम उसकी रेवोल्यूशन पर मिनट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ मसल राइबोसोम्स वगैरह अलहदा नज़र आएंगे। सही। मसल जो इसकी यूनिट होती है सेवड बर्ज। ठीक है। मसल राइबोसोम्स में आपने पढ़ा होगा 70S होता है, या फिर 80S, या आगे हम पढ़ेंगे तो। ठीक है। वो इसी की सेंट्रीफ्यूज की यूनिट्स होती है। सही। तो ये तो था जिस तरह हम सेल्स को स्टडी कर सकते हैं। मसल सेल्स का स्ट्रक्चर किस तरह स्टडी होगा? माइक्रोस्कोपिक से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्टेन यूज़ करेंगे। दूसरा, उसके अगर हमने पार्ट स्टडी करने हैं तो हम सेंट्रीफ्यूज अप्लाई करेंगे सेल्स को, रेवोल्यूशन देंगे, और उसकी वजह से इनके पार्ट्स अलग अलग होंगे, जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए अब हम आते हैं सेल्स होता किस किस्म का, यानी कैसे उसे बना सकते हैं। तो सेल लाइक फीड्रा सेल, लाइक दिस स्मॉल सेल, सेंटर में इसकी न्यूक्लियस होगा। अच्छा, इसके दो पार्ट्स हैं। सेल हैव टू पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट जो है इसका ऑल इंक्लूडिंग इनर, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रोटोप्लाज्म, देन सेकंड वन इज इट्स मेम्ब्रेन, दैट इज
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन से इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसको सराउंड कर रही है, यानी जो इसकी बाउंड्री बना रही है, सही। इसके अलावा इसके सेंटर में न्यूक्लियस, यानी प्रोटोप्लाज्म के फिर दो पार्ट हो जाएंगे, यानी इट कंटेन प्रोटोप्लाज्म के आगे फर्दर हम दो पार्ट्स कर देंगे, लाइक एक तो इसमें हो जाएगा साइटोप्लाज्म, देन सेंटर में इसके न्यूक्लियस आएगा। न्यूक्लियस, सही। सो यानी सेल के दो पार्ट्स हुए, प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हो गए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बकाया सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। मसलन साइटोप्लाज्म के सबसे पहले तो न्यूक्लियस होगा, यानी दिस इज न्यूक्लियस, सही। फिर ये जो बीच में सारा गैप है, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो गया, सही। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमेटिन मटेरियल होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, जाहिर बात है। और फिर साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज, लाइक दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिर देन दिस इज गोल्जी बॉडीज। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक स्ट्रक्चर सा होता है, ट्यूबुलर टाइप कह लें, चैनल सा होता है, इसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक। फिर इसके आगे दो टाइप्स भी होंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही। और बीच में छोटे छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं, देर आर स्मॉल वैक्यूल्स। फिर वैक्यूल्स की टाइप्स लाइक फूड वैक्यूल्स हो सकते हैं ये, सही। बाज़ दफ़ा इस तरह के वैक्यूल्स लाइसोजाइम्स भी होते हैं, लाइसोजाइम्स। इसके अलावा जो एनिमल सेल्स होते हैं, इसके अंदर आपको सिलेंड्रिकल यानी सेंट्रियोल्स भी नज़र आएंगे, बाज़ जगह पे सेंट्रियोल्स भी होंगे, सही। इसके अलावा बीच में थोड़ा बहुत ना कह लें कि यानी इस तरह फाइबर्स पड़े होते हैं सेल्स के अंदर, जो उसकी शेप को मेंटेन करते हैं, सही। दैट फाइबर्स आर नाउन एज साइटोस्केलेटन, ठीक है, जो उसकी शेप को बरकरार। इज अ टिपिकल एनिमल सेल, इट इज़ अ टिपिकल एनिमल सेल, दिस इज ऑल अबाउट अ टिपिकल एनिमल सेल। प्लांट सेल्स भी होते हैं इसी तरह, उन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। चलिए हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं जो सही डायग्राम है, सही। इसके अंदर आपको सब चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, लाइक सबसे पहले तो एनिमल सेल की तरफ आते हैं, तो इसके अंदर आपको सेंट्रियोल नज़र आ रहा है, दिस वन सेंट्रियोल, देन साइटोस्केलेटन, छोटे छोटे फाइबर्स जो से बीच में साइटोस्केलेटन हो जाएगा, पेरोक्सिसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, दिस इज आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये पूरा उन्होंने शेप दिखाई है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसकी बाहर की मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ सी है और अंदर फोल्डिंग सी नज़र आएगी आपको, सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसमें छोटे छोटे दानेदार चीज़ें पड़ी हैं, राइबोसोम्स होते हैं, फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। अच्छा, इसमें एक टाइप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है और दूसरी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, सही। सो रफ के अंदर आप अगर देखें तो दानेदार स्ट्रक्चर, यानी रफ के साथ आपको राइबोसोम्स नज़र आएंगे, ठीक है, स्मूथ जो है वो स्मूथ राइबोसोम्स, बगैर राइबोसोम्स के, सही। इसके अलावा न्यूक्लियस सेंटर के अंदर, ठीक है जी, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस आपको ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी बोरों की तरह कह लें कि चैनल से बने हुए हैं, और लाइसोजाइम्स हैं वैक्यूल की शेप में, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो ये आपका एक टिपिकल एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है कि एक तो एनिमल सेल में क्या होता है जी, सेंट्रियोल्स होते हैं, लाइक सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, वाइल इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होती, मसलन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं मिलेगा आपको एनिमल सेल में, सही। सेल वॉल नहीं मौजूद होती, सेल वॉल जो है ना प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर की लेयर होती है, सही। और सेल वॉल जो है आगे हम पढ़ेंगे सेलुलोज से बनी होगी, सही। और इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा, दिस आर स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्मॉल पोर्स जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा टोनोप्लास्ट है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है,
मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, सही। इसके अलावा बीच में आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएंगे, दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर ये नहीं पाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम अगर टाइप्स ऑफ सेल्स देखें, ठीक है, यानी सेल्स तो जनरल स्ट्रक्चर था ना, मुख्तलिफ सेल्स का मुख्तलिफ काम होते हैं। मसलन हमारी बॉडी के अंदर आपको नर्व सेल्स मिलेंगे, नर्व सेल्स जो कि कैरी करते हैं मैसेज को, हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा आपको लीवर सेल्स मिलेंगे जो कि मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होंगे बहुत ज़्यादा, दे विल मेटाबोलाइज, यानी खून की सफाई वगैरह, उनके खून को बनाना, इसमें इसका बहुत रोल होगा। इसके अलावा आपको यानी स्टोमिक के अंदर कुछ एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे। एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं भला? एपिथेलियल सेल्स ये क्या करेंगे? ऑर्गन्स की कवरिंग बनाते हैं, दे कवरिंग। इसके अलावा दे प्रोड्यूस सीक्रेशंस, सीक्रेशंस लाइक एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस वगैरह बनाते हैं, सही, हार्मोन्स वगैरह भी यही बनाते हैं एपिथेलियल सेल्स के अलावा। इसके अलावा आपको मसल्स मिलेंगे, मसल्स जो से हैं ये फैलते सुकड़ते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं बेसिकली, इससे होता है क्या, मूवमेंट आती है, सही, वी गेट मूवमेंट इन आवर बॉडी, सही, इनसे मूवमेंट मिलेगी हमें। इसके अलावा हमारे पास यानी क्या यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर बहुत से सेल्स आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में मसलन ब्लड है, वाइट ब्लड सेल्स हैं आपके, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं। इसके अलावा बोन्स हैं, इवन स्किन की जो लेयर होती है अपर लेयर, वो भी कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, डर्मल लेयर जिसे कहा जाता है, इट्स आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह प्लांट्स के अंदर अगर हम आए, सो प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं, स्क्लेरेन काइमा, कोलन काइमा, सही, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, ठीक है जी, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड। इस तरह उसके अंदर आपको फ्लोएम सेल्स होंगे, सेल्स जो कि फूड को ट्रांसलोकेट करेंगे, ठीक है, प्लांट बॉडी के अंदर यानी फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ट्रांसलोकेट करेंगे। सो दीज आर डिफरेंट सेल्स टाइप जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, सही, यानी हम सिंगल सेल स्ट्रक्चर से हर एक को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमें फिर भी एक जनरल आइडिया लेना होगा हर सेल्स के पार्ट का, हर सेल्स के स्ट्रक्चर का। इसके अलावा सेल साइजेस पे बात करते हैं, लाइक हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि प्रोक्रियाट और यूकेरियोटिक सेल्स के दरमियान फ़र्क किया था, मसलन प्रोक्रियाट्स का जो साइज था इट वाज लेस, यानी जो बैक्टीरिया होता है इट इज स्मॉलर देन यूकेरियोटिक सेल्स, कितना साइज था याद है कुछ, 0.01 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक, सही, स्मॉलर, जबकि जो यूकेरियोटिक सेल्स थे वो कितना थे, यूकेरियोटिक सेल्स कितने साइज के थे भला, सही, नहीं ये 0.2 से स्टार्ट हो गए, ऑलमोस्ट 2 माइक्रोमीटर या इवन 2 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि बाद सेल्स तो बहुत बड़े होते हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल लें जो एग्स होते हैं, सही, जिस तरह मसलन ऑस्ट्रिच का जो सा एग है, ठीक है, मसलन वो जो पूरा अंडा होता है, लाइक दिस बीच में जर दिया, इट इज़ आल्सो सिंगल सेल, ठीक है, अभी आप इससे साइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर साइज का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है, यानी स्मॉलर सेल्स भी होते हैं, लार्जर सेल्स भी होते हैं। सो ये तो थे जो हम सेल्स की यानी कह लें कि इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम
इसके फर्दर पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स को हम फोकस में रखेंगे, यानी हमारा इस सारे चैप्टर के अंदर यूकैरियोटिक सेल का फोकस होगा। सो हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, लाइक सेल क्या होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। फिर साइटोलॉजी की बात की, इट इज़ स्टडी ऑफ द सेल्स, उसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं और उसकी फंक्शंस भी। सही। फिर हमने कहा कि कौन कौन से टेक्निक्स जिसके ज़रिए हम सेल्स को स्टडी कर सकते हैं। उसमें हमने बात की माइक्रोस्कोप की, लाइक माइक्रोस्कोपी करते हैं हम, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फर्दर डिटेल्स के लिए। और स्टेनिंग का प्रोसीजर होता है, किस तरह होता है। मसलन हमने कहा जी एक स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर हम सेल्स का पेस्ट लगाते हैं, मसलन ब्लड की स्लाइड बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर स्टेन डालते हैं। सही। और स्टेन को फिर स्टेन स्लाइड्स को आगे हम पहुँचाते हैं उसके माइक्रोस्कोप के पास, माइक्रोस्कोप की स्टेज के ऊपर स्लाइड रखते हैं और ऊपर हम उसके जो आई पीस होते हैं उनके ज़रिए देखते हैं। सही। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर होता है इसका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करनी होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है। ठीक। दूसरा, स्टेनिंग भी करते हैं हम, ताकि जो सेल्स के डिफरेंट पार्ट हैं वो डिफरेंट तरीके से नज़र आए। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज है, अगर हमने सेल्स के फर्दर पार्ट्स को स्टडी करना तो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या करते हैं, बेसिकली उनके सेल डेंसिटी, सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डेंसिटीज या उनके मासेस के लिहाज से उनको सेपरेट कर देता है, फिर उसको हम स्टडी करते हैं। एग्जांपल क्या है, मसलन राइबोसोम्स हैं, तो जो यूक्रियाटिक राइबोसोम्स होते हैं वो ATS के होते हैं, मसलन इट इज यूक्रियाटिक, और 70S जो है प्रोक्रियाटिक है। सो यूक्रियाटिक और इस तरह हम सेलुलर साइजेस को डिफरेंशिएट करते हैं और उनको सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। ठीक। फिर मैंने एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कहा जी के दो पार्ट होते हैं, वन इज़ प्रोटोप्लाज्म एंड अदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट फर्दर होते हैं, लाइक साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी एक सेल मेम्ब्रेन होगी जितनी भी सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन, और फिर जो जिस चीज़ ने इसको इनक्लोज किया हुआ है सारा का सारा आपका प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। फिर प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी शामिल होगा, न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस फिर फर्दर उसके कह लेंगे फर्दर डिटेल में स्ट्रक्चर, लाइक उसके अंदर न्यूक्लियस निकलेगा, क्रोमेटिन मटेरियल होगा, ये हम फर्दर आगे बातें करेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल बॉडी, सारे साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेट करते हैं। और फिर हमने एक डायग्राम स्टडी की एनिमल और प्लांट सेल को कंपेयर करने के लिए, कि लाइक कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाएंगे, मसलन साइटोस्केलेटन है, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रफ भी है, स्मूथ भी, न्यूक्लियस दोनों में लोकेट करेगा, गोल्जी अपरेटस होगा, लाइसोसोम्स होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलेंगे, लाइक सेंट्रियोल्स इसकी एग्जाम्पल है, और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो सिर्फ प्लांट में मिलेंगे, लाइक लार्ज सेंट्रियल वैक्यूल नहीं होता एनिमल सेल्स में। सही। इसके अलावा टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल की लेयर है, ये भी नहीं होगी, जाहिर बात है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेटिक, यानी इसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, सो ये भी नहीं होता एनिमल सेल्स के अंदर। प्लाज्मोडेस्माटा जो कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेल्स के अंदर, वो भी नहीं है। और दूसरा, सेल वॉल, जो बेसिक डिफरेंस होता है ना एनिमल और प्लांट सेल का, वो सेल वॉल भी किया जाता है, कि जो प्लांट सेल्स हैं दे हैव सेल वॉल, यानी उनके आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन साथ साथ सेल वॉल भी होती, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसके अलावा हमने कहा जी सेल्स के टाइप्स हैं, मसलन नर्व सेल्स हैं, दे कैरी मैसेजेस, ठीक है, मैसेजेस लेके जाएंगे ब्रेन के या नर्वस सिस्टम बनाते हैं। लीवर सेल्स की बात करते हैं, दे मेटाबोलाइज, ठीक है, हमारे ब्लड को मेटाबोलाइज करते हैं और मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म को इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से रिएक्शंस होते हैं उनके लीवर के। एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि ऑर्गन्स की कवरिंग बनाएंगे और सेक्रीशंस बनाते हैं, लाइक दे प्रोड्यूस सेक्रीशंस, गैस्ट्रिक जूस एग्जांपल होगी, या इस तरह आपका सलाइवा भी इसी तरह एपिथेलियल सेल से बनता है। आगे मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट आती है बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दे फॉर्म ब्लड, बोन, स्किन, ETC। प्लांट्स भी आते हैं, स्क्लेरन कायमा है, स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, कोलन कायमा है, फ्लोएम सेल्स हैं, फूड को ट्रांसलोकेट करेंगे। सो इस तरह और फर्दर सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन होते हैं। फिर साइजेस पे आते हैं हम, सो बैक्टीरिया स्मॉलर सेल्स हैं, 0.01 to 0.2 माइक्रोमीटर। अच्छा, माइक्रोमीटर का आइडिया है, माइक्रोमीटर जो सा होता है वो 10^-9 मीटर के बराबर होता है, 10^-6
6 मीटर के बराबर होता है, सही, वो नैनोमीटर होता है, यानी नैनोमीटर इज 10^-9 मीटर। इस तरह एक यूनिट यूज़ होगी आगे जाके आर्मस्ट्रॉन्ग, सो आर्मस्ट्रॉन्ग 10^-10 मीटर। सो ये साइज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं। इस तरह यूक्रियोटिक साइज़ होते हैं वो 0.2 से स्टार्ट होते हैं और ऑलमोस्ट 200 माइक्रोमीटर तक जाते हैं, सही, 0.2 से 200 माइक्रोमीटर तक होते हैं। लाइक सिंगल सेल ओस्ट्रिच का एग है, अगर वो भी एक सिंगल सेल है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वेरिएशन है साइज़ के दरमियान, सही। तो एक जो अंडा होता है, ठीक है, वो भी एक पूरा सेल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्स, एंड सेल्स को इंट्रोडक्शन किया हमने। आगे हम इनके फिर पार्ट्स पढ़ेंगे कि सेल के अंदर किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह बनी होती है और सेल वॉल एंड सो ऑन। थैंक यू।